हमारा चैनल यस आई कैन डू इट मनीष में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं ले बस स्टैंड की बायोलॉजी की पार्ट ए व पार्ट बी की पूरी वीडियोज। तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है हमारा ब्रायोफाइटा। तो दोस्तों, ब्रायोफाइटा इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है इसका। ब्रायोफाइटा का जनक एफ केवर्स है। भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ब्रायोफाइटा का शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले ब्रोन ने किया था। वनस्पति का उभयचर जगत भी ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। स्थलीय पादप है जबकि निषेचन के लिए जल की जरूरत है, इस कारण इसे वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को असहवनकारी भ्रूणीय पादप भी कहा जाता है। क्या? असहवनकारी भ्रूणीय पादप। अपयुग्मन व अपबीजाणुता पाई जाती है। छायाप्रिय पादप भी ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र को ब्रायोफाइटा की स्वर्ण खान कहते हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ब्रायोफाइटा सबसे अधिक पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटे की जलीय जातियां हैं वह रिक्सिया, रियेला और फोटोनेलिस। और मृत उपजीवी पादप हैं वो बक्सबोमिया, एफिला और क्रिप्टोथेलस और मिराबिलिस। ब्रायोफाइटा पादप की संरचना देखिए, इसके अंदर शैत्य मूल का अभाव पाया जाता है, जबकि राइजोइड्स यानी कि मूलाभास पाई जाती हैं। सेवन उत्तक नहीं पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। सूकायक क्या है देखिए, जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होते हैं, परस्ट और अदर सतह से चिपके रहते हैं। उदाहरण क्या है सुकाइक का देखिए, रिक्सिया है, एंथोसिरोस है। आगे है परनील। परनील के अंदर देखिए पत्तियां छोटी आवर्त एवं एरल पाए जाते हैं। उदाहरण है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम एवं पोगोनेटम। ब्रायोफाइटा में जन्म देखिए दो प्रकार से माना गया है, कायिक जनन और लैंगिक जनन। देखिए कायिक जनन किन से होता है, पुराने भागों की मृत्यु होने से कायिक जनन हो सकता है, वो होता है रिक्सिया और मार्केंसिया में। तो ब्रायोफाइटा पौधों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। अपस्थानिक शाखाओं में, शाखाओं से किस किन में जनन होता है, वो होता है ट्राजियोनिया से। और कंद द्वारा और गेमा द्वारा भी इसमें कायिक जनन होता है। और लैंगिक जनन देखिए अंडयुग्मकीय होता है और नर और मादा जननाक्रम से पूदानी और स्त्री दानी दोनों होते हैं, यानी कि नर जननांग पूदानी और स्त्री जननांग स्त्रीदानी होती हैं। देखिए ब्रायोफाइटा पौधे एकलिंगी उभयलिंगी होते हैं और इनमें जननांग है वो क्या होते हैं, बहुकोशी के पाए जाते हैं। तो हमने ब्रायोफाइटा की पूरी बात कर ली है गुणधर्मों की, आगे हम अध्ययन करेंगे वो है टेरिडोफाइटा। देखिए टेरिडोफाइटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, हेकल ने किया था। शब्द की उत्पत्ति है वो टेरोन शब्द से हुई है और इसके अध्ययन को टेरिडोलॉजी कहा जाता है। बीजाणुविद के रूप में पाए जाने वाले प्रथम पादप हैं जो बीजाणु उद्भिद के रूप में पाए जाते हैं। सरलतम सहवहनी पादप और आदिम जीवाश्म सहवहनी पादप माना गया है इसे। नम और छायादार स्थानों में टेरिडोफाइट्स अत्यधिक पाए जाते हैं। देखिए जलीय टेरिडोफाइट्स हैं वो सिलेजिनिला, लेपिडोफिला और स्प्रिडिस, इक्विसिटम, अर्वेंस, ये जलीय पादप। अधिपादप देखिए पोल्टिलस, ओफ्यूगुलसम और पेंडुलम। पौधे एक वर्षीय या बहुवर्षीय भी हो सकते हैं, साग के पौधे भी होते हैं इसकी। देखिए पादप की संरचना, कुछ एक पादप सूक्ष्म भी हो सकते हैं, तो सूक्ष्म पादप है वो एजोला है और कुछ एक पादप है वो लंबे भी होते हैं, तो वो है वृक्ष वरण। इसके सदस्य हैं वो बीजाणु द्विविध के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जड़ तने पत्ती में भी विभेदित होते हैं। इसके सदस्य लघुपर्णी देखिए कौन कौन से होते हैं, सिलेजिनेला और इक्विसिटम, ये लघुपर्णी है। सेवन उत्तक भी पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, इसके अंदर वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, रंभ तंत्र पाए जाते हैं। देखिए जनन तंत्र, जनन दो प्रकार से होता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन। और कायिक जनन देखिए पुराने भागों की मृत्यु होने से होता है, अपस्थानी शाखा के द्वारा, कंद और परकंद के द्वारा, सेम ही ब्रायोफाइटा की तरह ही होता है। और इसमें अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। तो अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है और बीजाणु दानियों के द्वारा भी होता है। तो देखिए बीजाणु के प्रकार देखिए, समबीजाणुक, तो समबीजाणुक
जिनके बीजाणु की संरचना आपस में समान है, विषम बीजाणु जिनकी बीजाणु संरचना आपस में अलग अलग है। तो सम बीजाणु कौन है? लाइकोपोडियम, फर्न आदि। और विषम बीजाणु दो प्रकार का होता है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु और गुरु बीजाणु हो गए, लघु बीजाणु छोटे छोटे बीजाणु, और गुरु बीजाणु बड़े बीजाणु। तो आगे हम पढ़ेंगे बीजाणुओं का अंकुरण। बीजाणुओं का अंकुरण है वो दो प्रकार से होता है, बाह्य बीजाणु और अंतः बीजाणु। इस प्रकार से बीजाणुओं का अंकुरण हो जाता है और नया पादप बन जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन। युग्म को द्वारा लैंगिक जनन होता है टेरिडोफाइटा में। ये जनन अंड युग्म के प्रकार होता है, इसमें नर और मादा जनन पूदानी और स्त्री दानी होता है। और पुमाणु दो प्रकार के होते हैं, द्विकसाभिकीय और बहुकसाभिकीय। नर जनन का जो पूदानी है उसके अंदर पुमाणु बनते हैं, और पुमाणु दो प्रकार के होते हैं, द्विकसाभिकीय और बहुकसाभिकीय। द्विकसाभिकीय पुमाणु का उदाहरण है सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, और बहुकसाभिकीय का उदाहरण है साइलोटम, इक्विसिटम और टेरिडियम। तो दोस्तों आज हमने अध्ययन किया है टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा का। ये मैंने सीधी सीधी लाइनें बताई हैं, आप जरूर याद कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम लेके आएंगे पार्ट बी का नया टॉपिक। तो आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नया टॉपिक के इंतजार में रहिए दोस्तों। इस प्रकार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।